बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा आप उम्रे का वीज़ा किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी हज व उम्रा ने उम्रे का वीज़ा ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप कोई भी ब्राउज़र ऑन करके उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये तरीका बताऊँगा, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकेंगे। आप कोई भी ब्राउज़र ऑन करके उसमें जी अप्लाई कर सकते हैं। मैं गूगल ब्राउज़र ऑन करता हूं और उसमें जाकर आपको मुकम्मल गाइड करता हूं। इस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकेंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा आपके लिए ये ठीक है या किसी एजेंट से आप लें वो ठीक रहेगा, ताकि आपको पूरी मुकम्मल समझ आ सके, आप आसानी के साथ अपना उम्रे का वीज़ा ले सके। ये देख सकते हैं मैंने जो ब्राउज़र ऑन कर लिया है। आपने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हज व उम्रा की वेबसाइट को ऑन कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, MAQMGDSHAJ.GOV.SA। ठीक है, इस तरह आपने इसको ऑन कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है, इस वेबसाइट को, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आसानी के साथ डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करेंगे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जितने भी एजेंसियों के नाम लिखे आ रहे हैं ये सब एजेंट हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप सऊदी अरब से उम्रे का वीज़ा नहीं ले सकते। लाजमी उसके लिए आगे एजेंसियों को उन्होंने अप्रूवल दी हुई है, वो आपको उम्रा का वीज़ा अप्लाई करके देंगे आपके लिए, होटल बुकिंग वगैरह ये सब कुछ, जितने भी जो लिखा हुआ है ना ये सब के सब ये कंपनियां इनके जरिए आप कर सकेंगे। जो आपको जितना भी ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये फ्लाइनास है, फ्लाइनास का आपको पता होगा ये एयरलाइन भी है। ठीक है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकेंगे। आपको मुकम्मल गाइड करूँगा किस तरीके से आप इसकी बुकिंग वगैरह जो भी है कर सकते हैं। जब आप इस पेज को खोलते हैं तो आपको दो सर्विस मिलती है इधर, ठीक है ना, जो ऊपर आप देख सकते हैं ये उम्रा सर्विस है। ठीक है, कंपनी के लिए भी है और ये इंडिविजुअल के लिए भी है, मतलब अकेले आदमी के लिए, दो या तीन के लिए ऐसे, ठीक है ना। ये कंपनी वगैरह जो ज़्यादा बड़े बिजनेस वाले हैं उनके लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जितनी भी एजेंसियाँ सामने शो हो रही हैं ये सारी अप्रूवल है, आपको इनके जरिए ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और ये अप्रूवल करके आपको वीज़ा, होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ आपको देंगी। ये सब कुछ मैं बस आपको एक कंपनी के ऊपर सेलेक्ट करके तरीका बता दूंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं फ्लाइनास या कोई और करनी है, जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप सारी दो तीन चेक कर लें, जिसका रेट आपको अच्छा लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमने कंपनी वाला नहीं करना, हमने ये इंडिविजुअल वाला करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है ना। ये बिजनेस वाला है, हमने इंडिविजुअल के ऊपर कर लेना सेलेक्ट, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। ये कंपनी आपको क्या क्या सहूलत देगी, ये आपको ट्रांसपोर्ट देगी, होटल बुकिंग वगैरह देगी, ठीक है, होटल के लिए भी आपके लिए रहनमाई करेगी, जो सारा होटल होगा इसमें ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, ये सब कुछ आपको देगी। टिकट भी आप इनसे ले सकते हैं, अगर आपको टिकट इनसे नहीं लेना आप अपनी मर्जी से भी टिकट ले सकते हैं। इसमें से मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देख मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे इसकी डिटेल मांगेगा ये सारी, ठीक है ना। इसको हमने इंग्लिश में कर लेना है, ये अरबी में था, इंग्लिश में कर लें। ये देखिए जी, इधर से आपसे पूछ रहा है, इधर आपने किधर से जाना है, मक्का जद्दा या किधर से, मक्का ओनली पैकेज चाहिए, मदीना ओनली पैकेज चाहिए, या जद्दा से मक्का मदीना, ऐसे जो कुछ भी चाहिए। हमें जो चाहिए होता है जद्दा मक्का मदीना, ठीक है, मदीना एयरपोर्ट, ऐसे ये सब कुछ इधर रहकर आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने कर लिया जद्दा मक्का मदीना, ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। जो उसके आगे है डिपार्चर डेट, ठीक है ना, आपने किस तरीक को डिपार्चर करना है ये सारा इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हम ये देख सकते हैं, आप हम ये कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी कर सकते हैं, ये 30 नवंबर कर लेते हैं, ठीक है, 30 नवंबर सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये देखिए 30/11। ये आगे पूछ रहा है आपने मक्का में कितनी नाइट रुकना है, ये ज़्यादातर 7 दिन ही होते हैं मक्का में, ठीक है, 7 दिन मैंने कर लिए इधर, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 नाइट आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने 7 दिन कर दिए। उसके आगे आपको पूछ रहा है मदीना में कितनी नाइट करना है, ठीक है, मदीना में भी हम 7 दिन ही रुकेंगे, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आगे पूछ रहा है आप कितने आदमी हैं, ठीक है, रूम कितना चाहिए आपको, एक चाहिए, दो चाहिए, बच्चे कितने हैं, ये सब कुछ इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इधर हर चीज़ आपको सामने बतानी पड़ती है, रूम कितना है, रूम एक चाहिए, दो चाहिए, जो भी हो, ठीक है ना, एट रूम भी आप कर सकते हैं, जो भी है, कितने आदमी है, बच्चे कितने हैं, ठीक है ना। हमने दो बड़े आदमी कर लिए और बच्चे के साथ एक कर लिए, ये 3 का हम करेंगे, वो बच्चों की आगे उम्र भी पूछ रहा है, ठीक है ना, अगर 1 साल से 12 साल से 11 साल तक ये पूछ रहा है
उससे ज्यादा भी अगर आप करना चाहें, ज्यादा नहीं वैसे बच्चे की उम्र इस तक, बाकी वो बड़ों में आ जाता है ठीक है ना, 11 साल से अगर ऊपर हो तो। हमने 1 ईयर कर दिया, इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। वो आगे आपसे पूछेगा आप कौन से कंट्री के रेजिडेंट हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंट। ये देखें आपने इधर अपने हिसाब से आप जिस कंट्री से भी हैं इधर सेलेक्ट कर लेना, मैं पाकिस्तान से हूँ पाकिस्तान लिख लेना ठीक है, इधर सेलेक्ट कर लिया। वो बोला आपकी नेशनलिटी कौन सी है, नेशनलिटी भी मेरी पाकिस्तान है ठीक है, आपने इधर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। आगे आपने इसको सर्च कर, ये बेसिक डिटेल जब आप दे देंगे फिर ये आपको सर्च करके बताएगा कौन कौन से पैकेज इनके पास अवेलेबल है, तो सारा आपके सामने आ जाएगा। चलो हम सर्च करते हैं, अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे वो सब कुछ सामने आ जाएगा ठीक है। ये देखें ठीक है, ये आ गया, आप ये होटल वगैरह जो भी है ना जितना कुछ भी है सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। ये देखें ये सर्विस है जो आपको देगा, मक्का होटल, मदीना होटल, ट्रांसपोर्ट और ग्राउंड सर्विस। ये आगे होटल हैं जो सब नीचे आ रहे हैं ठीक है ना, इसमें से आपको कोई भी होटल सेलेक्ट करना है। एक से जे कितने हरम से कितनी किलोमीटर दूर पे है, कितना नज़दीक है दूर है, सब जो आपको इसमें बताएगा पूरी डिटेल देगा। अब आप में से इसमें से कोई भी होटल सेलेक्ट करना है, जो हम पहले वाले कर लेते हैं, इसके साथ प्राइस भी लिखी आ रही है ठीक है। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ये देखें इसके नीचे जो आ गया सिलेक्ट का बटन, आपको जो अच्छा लगता है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना। ये देखें हमने इसको सिलेक्ट कर दिया ठीक है, जो सिलेक्ट हो गया जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसकी आप डिटेल दोबारा भी देख सकते हैं। जो आ गया मदीना होटल, मदीने में आपको कौन सा होटल चाहिए, ये कितने फासले पर है, जैसा आप आपको बता देगा ठीक है ना। हमने जो पहले वाले आपने अपनी मर्जी से चेक करके सिलेक्ट कर लेना ठीक है ना, आपने सेम सेम नहीं करना, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने ठीक है, इधर ये देखें सब कुछ बता रहा है, इसको सिलेक्ट कर दिया ठीक हो गया। ये देखें आगे इनकी डिटेल भी है नीचे, अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें अब इधर आपने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करनी है ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। ये देखें इधर कोई भी आपको जो अच्छा लगता है आप आदमी ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कम है तो अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसी को जो पहले वाले को सिलेक्ट कर दिया ठीक हो गया। जैसे 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 सिलेक्ट होते जाएंगे जो ऊपर से ओके भी हो रहे हैं ठीक है। जो आपको जो मक्का से मदीना ऐसे ना सारा मसलन जद्दा से मक्के लाएगा, मक्के से मदीना, ये टोटल ट्रांसपोर्ट होती है ना जितनी भी, ये सारी आपको इसमें देगा, ये सब कुछ इसमें होता है। ये देखें अब ये ग्राउंड सर्विस आ गई है, जो मसलन बेसिक पैकेज होता है जो और एजेंसियाँ आपको देती हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाता है ठीक है ना। आपने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर दिया। ये देखें कंग्रेचुलेशन, अब आगे आ गया बुक नो पे, इसकी आगे आपने बुकिंग वगैरह जो इसके ऊपर ये देखें आपका टोटल खर्चा भी आ रहा है, ये जितना भी खर्चा लिखा आ रहा है ये टिकट के अलावा है ठीक है ना। जैसे जो टिकट नहीं है इसमें ऐड नहीं है, ये आपको सिर्फ टिकट के अलावा होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, मक्का मदीना होटल ये सब कुछ इसमें बता रहा है। जो आप अपनी पेमेंट वगैरह देख सकते हैं, जिसमें बता रहा है 4,409 रियाल ठीक है ना। इसके आगे जो एजेंसी से हम लेंगे जो उसका टोटल खर्चा है, जी इधर आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। अब हमने बुक नाउ पे क्लिक करना है ठीक है, बुक नाउ पे जाएंगे हम, इसके आगे जाके पेमेंट करनी होती है। ये देखें आगे फिर आपको जो आपकी सारी डिटेल दोबारा फिर बता रहा है, जो आगे इसका जो होता है जो एग्री वगैरह करना होता है ना, अंडरस्टैंड जो भी इनका लिखा होता है जिसको आपने अंडरस्टैंड आदमी करना है ठीक है ना। ये सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं जी, आप ये जाके आपको जो जिस जिसने आना होता है जो उसके ना डिटेल वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जितना भी आपने सेलेक्ट किया वो सारा कुछ इसमें देगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, जब आपने जो होटल बुकिंग वगैरह ये सब कुछ करना है आपने अपने हिसाब से टिकट भी इनके साथ सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इससे बेहतर ज़्यादा है अगर आप अकेले या एक दो आदमी आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो एजेंट के ले लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। बाकी आपको जो अच्छा लगे, आपको सिर्फ तरीकाकार बता दिया है, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो ऑनलाइन से एक सहूलत है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही आपके पास जो अगर आसपास में कोई एजेंसी है उम्रा वाली उससे ले लें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पैकेज के साथ उनको टिकट वगैरह डिस्काउंट वगैरह होता है, उनको सारा तरीकाकार पता होता है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।